ये है दिल्ली दर्पण। जिस तरह से हाथरस में हुए अपराध के बाद जो कांग्रेस पार्टी है पूरे प्रदर्शन पर उतर आई है, देख सकते हैं आप किस तरह से प्रोटेस्ट कर रही है बार बार, और बैनर पे भी देख सकते हैं जिस पर लिखा है मोदी योगी तुम्हारे राज में महिला सुरक्षित नहीं है, हाथरस की मलेशिया को बलात्कारी को अपराधियों को फांसी दो। तो हमारे साथ सीधा जुड़ चुकी है जो पूर्व काउंसिलर है सोनिया, जिनसे पूछेंगे क्या कहना है मैम, जो ये हत्या मतलब की जो एक बहुत बड़ा मतलब कि अपराध माना जाता है वो हुआ है मतलब कि देश की बेटी के साथ, उस पर आप क्या कहना है? पहली बात तो ये ऐसी घटना है जहाँ पे हम सभी की मुंह से कोई लफ्ज ही नहीं निकला, क्योंकि ये ऐसी घटना है जहाँ पे हम निःशब्द हैं। इतनी हैरानी करने वाली बात है, आए दिन हमारे भारतवर्ष में ये घटनाएं घटती जा रही है और हम लोग ऐसे ही कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ये तो हम उनको एक कह लो हम एक गुहार कर रहे हैं कि भी हमें उसे न्याय चाहिए, उसके घर वालों के लिए लड़ रहे हैं, हम खुद की बेटी बहन बेटियों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चीज़ें अगर जब हम सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे इतनी लगती हैं कि 14 सितंबर को ये वारदात हुई, 29-29 सितंबर को ये जनता के सामने आ रही है, तो इसका गुनहगार कौन है? जिसमें कि हमारे यहाँ कानूनन जो देखा जाता है कि अगर कोई लड़की FIR दर्ज करती है तो सबसे पहले उसकी FIR दर्ज करी जाती है। मैम दूसरा, जैसे कि जिस तरह से हाथरस में आज सोनिया गांधी और प्रियंका मतलब कि जो यहाँ सोनिया गांधी मतलब कि जो उनके पूरी पार्टी आज गई थी वहाँ पर, जैसे कि राहुल गांधी हो गए तो वहाँ पर उनको जाने नहीं दिया, तो उसमें आपको क्या कहना? देखिए ये तो हम सब ये तो यहाँ पे हम कोई पार्टीबाजी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमारे कांग्रेस पार्टी सोनिया जी हो या राहुल गांधी जी हो या पूरे यहाँ कोई भी कांग्रेसी हो, ये तो एक सिर्फ अपनी सहानुभूति के लिए हम अपनी दिखाने के लिए भी कि ठीक है हम आपके परिवार के साथ है। पुलिस ने उनकी बेटी की डेड बॉडी तक नहीं दी और उसको जला दिया गया, क्या हमारा उनका इतना फ़र्ज नहीं है कि हम जाके सिर्फ उनसे मतलब उनका हाल चाल तो पूछ ले? तो मुझे नहीं लगता कि सोनिया जी और राहुल जी तो सिर्फ उनका हाल चाल पूछने गए थे। आपको क्या लगता है आपके इस प्रोटेस्ट से मतलब कि जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं जो देश की बेटी जिसके संग ये अपराध हुआ था उसको मतलब कि मिल पाएगा न्याय? न्याय तो जरूर मिलेगा, जो निर्भयता के कांड भी जब हुआ था तो उसकी माँ ने 7 साल केस लड़ा लेकिन उसके बाद न्याय जरूर मिला। लेकिन हमारी तो गुहार ये है कि कानून एक ऐसा बने कि 1 साल के अंदर अंदर ना उन अपराधियों को जो हवस के शिकारी हैं, नंगे हैं, जो घूम रहे हैं खुलेआम, उनको ऐसी सजा मिली जाए कि 1 साल के अंदर कि मतलब लोग सोचने करने से पहले भी सोचे कि भाई मैं हम मतलब करें या ना करें, कुछ इतना ऐसा कानून बनाया जाए। आपको क्या लगता है जिस तरह से आप कर तो रहे कि योगी और मोदी जो सरकार है वो समझ पाए कि इन कानून को? देखिए जी मोदी और जो योगी की सरकार है, अगर हम देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में आए दिन कोई ना कोई हरकत हो रही है, अब जहाँ की मोदी जी ये कहते हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है, तो क्यों तो आप लोग बेटी की रक्षा के लिए क्यों नहीं कोई कदम उठाए जा रहे हैं सख्त? हम तो क्यों नहीं गुवार, हम तो हर आज ये इसलिए नहीं कि हम ये कांग्रेसी हम इसलिए ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, हम इस देश में इस भारत में रहते हैं, हमारी समाज की बेटी है, हमारे घर की खुद की बेटियां बहन बेटियां हैं, हम उसके लिए निकले आज रोडों पे, और हमें हम खुद हम सबकी तरफ से एक गुहार है कि मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके कैदियों को जो उसके अपराधी हैं उन चारों को सजा मिलनी चाहिए जल्द से जल्द, और उसके जो घर वाले हैं उनको उनकी पीड़ा को तो शायद जो मोदी जी और योगी जी को देख नहीं पा रहे हैं, जो राहुल जी देखने गए थे उनको दिखाई नहीं दे रहा, आज सब ने अपने मुंह पे टेप बांध रखी है कि कुछ नहीं बोल रहे, कोई भी उन्होंने तो बल्कि उनको बचाने की कोशिश करी, यहाँ पे हम किसी का नाम नहीं ले सकते लेकिन कहीं ना कहीं वो तो खुद ही उनको बचा रहे हैं। बहुत अन्याय हुआ है, एक दलित बच्चे के साथ ये अन्याय हुआ तो देश के लिए शर्मनाक वाली बात है, और एक माँ बाप के लिए उसकी डेड बॉडी तक नहीं दिया, पुलिस वालों का क्या हक है मैडम, पुलिस वालों का क्या पावर है, उनके डेड बॉडी तुम जला, बाप को लात मार के भगा रहे हो, सगे भाई को तुम थप्पड़ मार के भगा रहे हो, ये कौन सा योगी सरकार का मतलब युद्ध दिया? क्या लगता है आपके इस प्रोटेस्ट से इसको इंसाफ मिल पाएगा भाई देश के? मिलेगा नहीं मिलेगा मैडम,
नहीं चाहिए हमें, उसको फांसी जाना चाहिए। ये नहीं कि साल भर दो साल तक उसका मुकदमा डाल के उसके बाद उसका फांसी नहीं देना चाहिए। और बच्चे ऐसे गुंडागर्दी नहीं करेंगे, तुरंत फांसी मिलना चाहिए उसका। इस देश को सख्त जरूरत है सख्त से सख्त कानून बनाने की, ताकि पहले जैसे निर्भया के दोषियों को 7 साल तक लड़ने के बाद फांसी की सजा मिली। हम तो कहते हैं हैदराबाद वाला कार्ड रिप्रिंट होना चाहिए, तुरंत गोली मार दी वहाँ के पुलिस वालों ने। यहाँ के पुलिस वाले सह दे रहे उन लोगों को। 14 तारीख को यह हादसा हुआ है, इतना जघन्य हादसा हुआ है कि इसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा करें कम है। हम चाहते हैं जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, राष्ट्रपति तक भी हमारी गुहार जाएगी। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यूं ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हमें शर्मिंदगी हो रही है कि योगी जी कुछ दो शब्द नहीं बोल रहे, पूरा जंगल राज है यूपी में, ना योगी का ना मोदी का कोई इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं आया है। इसलिए हम पहली बात तो मैं ये बता दूं, मनीषा किसी दलित की लड़की नहीं है, वो भारत की लड़की है और हम सब भारतवासी है। हम भारतवासी उसके खिलाफ कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मोदी जी को पिघलना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी नारा दिया था वो जब प्रधानमंत्री बनते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज कहाँ है वो प्रधानमंत्री जी, आज कहाँ उनके बयान है, आज कहाँ चले गए, कहाँ उनको मतलब शर्मिंदगी, मतलब कहाँ शर्मिंदगी आ गई, कहाँ छिपके बैठ गए। और वो जो अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि वो मनीषा एक परिवार की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, पूरा हिंदुस्तान उसके लिए आज खड़ा हुआ है। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा मैं कहता हूँ पूरा हिंदुस्तान योगी और मोदी की सरकार को हिला के रख देंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। ऐसे दरिंदों को जैसे कि अभी 7 साल केस लड़ा गया पीछे और 7 साल के बाद फांसी दी गई, तो ऐसे कानून तो बना लेते हैं, मतलब दुनिया भर की कानून बना, गरीबों के लिए कानून बनाएंगे, लेकिन ऐसे तरुणों के लिए कानून क्यों नहीं बनाते। मैं तो 90 दिन के अंदर ही इनको फांसी देनी चाहिए, हम तो 1 साल के लिए, 90 दिन के अंदर इन तरुणों को फांसी देनी चाहिए तो ताकि वो दरिंदे भी ऐसा कार्य ना करें। आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो कांग्रेस के जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका तो यही कहना है कि हमारी प्रोटेस्ट से जो मनीषा हमारी जो देश की बेटी उनको इंसाफ मिल पाएगा। कैमरामैन सोनू के साथ मैं शिवानी बोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी।